में है और देखिए वो मतदाताओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। देखिए धूप है, कड़कड़ाती धूप है, लेकिन उसके बाद भी जो मतदाता है जो मतदान करने के लिए किस तरह से कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से पेयजल की सुविधा उपलब्ध है और टेंट भी लगाए गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है, लेकिन मतदाताओं में जिस तरह से उत्साह है, हम मतदाताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर चुनाव में उनके मुद्दे क्या है। कुछ युवा मतदाता है, उनके बीच भी चलते हैं। क्या भैया वोट देने आए, क्या मुद्दे हैं इस बार? क्या मुद्दे बताएं? क्या विकास हुआ है? हाँ हुआ है विकास। पहले से कितना विकास हुआ? हुआ है पहले से, बदलाव है। हाँ लाभ है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया कुछ बदलाव दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर बदलाव तो है, लेकिन इस बार कुछ और बदलाव होना चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, बीटीसी डीएलएड करके टेट सीटेट पास है, लेकिन कोई बेरोजगारी है अभी, वैकेंसी आ नहीं रही है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सबसे ज्यादा मेरा पहला मुद्दा है कि मैं शिक्षा के लिए वोट करूंगा। मतलब बेरोजगारी को लेकर ये वोट करेंगे। और कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, कुछ मतदाता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया क्या मुद्दे होंगे इस बार वोट डालने? हम लोग हिंदुत्व पे वोट कर रहे हैं, न कोई कोई जात पात नहीं, विकास तो हो ही रहा है। और इसके पहले भी आप देखे होंगे विकास नहीं था हमारे यहाँ, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। या सालों में कितना बदला? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। आपके क्षेत्र में कितना विकास? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास है, क्या क्या गिनाए आपको। 2000 रूपए किसान सम्मान निधि मिलती है, शौचालय हम लोगों को, हम लोग नदी के किनारे हैं। बातचीत करते रहिए। अब आज हमारे पास हर मंत्री नंद गोपाल नंदी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने, सुनाते। गुप्ता नंदी अपने पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताएं कि क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या माहौल दिख रहा है आपको पूरे देश भर में और प्रयागराज? प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी जी के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है, भारी उत्साह है लोगों में। और प्रधानमंत्री जी ने देश की सेवा 10 साल बिना रुके, बिना थके, बिना एक दिन की छुट्टी लिए पूरे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाले, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाले, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में लोग आज इस बात से गदगद हैं। अयोध्या में विकास, काशी में विकास, मथुरा में भी तेजी से विकास हो रहा है। निश्चित रूप से सभी लोगों ने जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है, एनडीए के नेतृत्व को स्वीकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार जिस तरह से यहां काम कर रही है, अपराधियों का समूल नाश हो रहा है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम हो रहा है और जनता बड़े उत्साह के, बड़े खुशी मन से आकर के वोट डाल। एनडीए जो इंडिया गठबंधन है वो ये कह रहा है कि हम जो है इस बार जीत रहे हैं और उनके पक्ष में माहौल नहीं है, जनता जो है तीसरी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार, ये जनमानस का एक नारा बन गया है, जन आंदोलन बन गया है। और अभी 4 जून को जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जितनी ये हवा हवाई और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 14 से आप ट्रेंड देखिए, 2014 90% से ज्यादा सीट, 8972 मतलब 73 सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। 17 में देखेंगे आजादी के बाद पहली बार इतना प्रचंड बहुमत मिला जब 17 में सरकार बनी। फिर 2019 देखेंगे वोट का रिकॉर्ड, 2019 में और ज्यादा बहुमत से जीते। 2022 की बात करें तो सबसे ज्यादा बूथ जीतने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड हमारे पास है। 2024 में हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। पूरा हिंदुस्तान आज देश की तरक्की चाहता है, देश को ऊंचाई पर देखना चाहता है। तो देश को ऊंचाई पर किसने पहुंचाया? अगर हम पीछे 2014 के पीछे की बात करते हैं तो आतंकी बम ब्लास्ट करते थे, आज आतंकी थर थर कांपते हैं। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश की बात करते थे तो गुंडे, अपराधी, माफिया लोगों को डराते थे, आज वो खुद डर रहे हैं। राहुल और अखिलेश कह रहे हैं कोई 140 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है। देखिए राहुल अखिलेश, यूपी को 7 पसंद है, आपने देखा था। राहुल गांधी ने तो पूरी कांग्रेस को डुबोया ही डुबोया है, शहजादे बनकर वो आज भी सोचते हैं वही राजाशाही चल रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी को समाप्त होती हुई पार्टी बनाने में अखिलेश यादव का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये दोनों शहजादे को जनता नकार चुकी है और 4 जून को दिखाई पड़ेगा। तो 4 जून को तस्वीर दिखाई देगी ऐसा कहना है नंद गोपाल गुप्ता
नंदी का उनका कहना है कि जिस तरह से 2014 से लेकर 2022 तक के जो तमाम चुनाव हुए हैं बीजेपी को जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है 2024 में भी वो जारी रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो देखिए, खास बातचीत यहां पर हमारे संवाददाता ने की थी मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी से। और इसके साथ हम अब सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता उवैस अली का, जो कि डुमरियागंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उवैस, बताइएगा डुमरियागंज सीट पर किस तरीके से स्थिति है, क्या मतदाता के मन में चल रहा है और उत्साह कितना है? बिल्कुल, देखिए 10:30 बज चुके हैं और जो गर्मी का मौसम है, लगातार जो सूरज की तपिश है वो बढ़ती जा रही है, कड़ाके की जो धूप है वो नजर आनी शुरू हो गई है। लेकिन जो मतदाताओं के अंदर उत्साह है वो काफी नजर आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ से तस्वीर दिखा देते हैं। पहले जो तस्वीरें हैं मतदाताओं की, आपकी जो लाइनें हैं धूप में कड़ाके के ऊपर खड़ी हुई, वो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, जो टेंट है, टेंट से पहली तरफ की बात अगर की जाए, उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग पेड़ों के नीचे खड़े हैं, लेकिन लंबी लंबी जो लाइन यहाँ आपको नजर आ रही है, ये लाइन अपने आप में बयां कर रही है कि उत्साह जो मतदाताओं के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो अभी अपना मतदान का प्रयोग करके आए, अपने मत का प्रयोग करके आए और किन किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने वोट किया। इससे पहले अभी 10 बजे यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आकर अपना मतदान डाला। और बहरहाल सी बात है कि जब उन्होंने अपना वोट यहां पर डाला था, अपना वोट कास्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 2014 हो या 2019 हो, लगातार यहां की जनता ने चुना है। और क्योंकि जो यहाँ की लोकसभा सीट खासतौर से इसकी अगर बात की जाए, जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ और इस बूथ की बात की जाए, तो तमाम यहाँ पर आपको सुबह 7 बजे से लेकर लंबी लंबी लाइनें और कतारें नजर आ रही थी, क्योंकि लगातार अब सूरज की जो तपिश है वो बढ़ती जाएगी और लोगों की जो है वो बूथों की तरफ आने में बहरहाल सी बात है कोई ना कहीं कोताही बरतते हुए नजर आएंगे। लेकिन उत्साह का नजारा यह है कि कड़ाके की धूप में भी अभी लोग पेड़ों के नीचे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बूथ के अंदर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक अच्छी सरकार वो चाहते हैं। लगातार यहां पर 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से झंडा अपना लहराया था, फिर 3री बार एक बार और सांसद बने, अब उनका कहना है कि 4 लाख के वोट से ज्यादा उनकी जीत होने वाली हो रही है। कुछ मतदाता हमारे साथ हैं जो अपना मत का प्रयोग करके आए, उनसे सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला है और क्या क्या उनके मन में चल रहा था। क्या नाम है आपका? अमन वत्स। वत्स अभी बताइए, क्या मुद्दे हैं, किन किन चीजों को लेकर के वोट किया है? क्या मुद्दा है? ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मुद्दा है आपका, किन किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? वोट डाले हम यहाँ पे विकास के लिए, रोड बने, सड़कें बने और कुछ उद्योग धंधे हों जिससे सबकी कमाई बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। कमाई बढ़े, ठीक है। ओएस बने रहे।